मैं समझ सकती हूँ, ये रो नहीं रहा है, नाटक कर रहा है, समझे भाई, थोड़ा चिल्ला रहा यार। जितने पैसे सालियों को दे उतने तो यहाँ से मिल गए। चलो 1 2 3 गो। 14 फरवरी को सब आना मेरी शादी में। लखन भाई आपको भी मिली थी ये सब गिफ्ट? ये मेरी वाली है, अनयूज्ड है तुम। करेंगे और फिर वहीं पर जहाँ से खड़े होंगे ना वहीं पर उधर जाके खड़े हो जाएंगे सब, और फिर हंसेंगे तालियां बजाएंगे जब सब दे देंगे। तो गाइस हमारा ये बहुत ही बड़ा हम लोग एक स्टेप लेने वाले, इससे मुझे बड़ा डर लग रहा है कि जीजू हमें बेलन से ना मारे। यशु दीदी हमने ये गिफ्ट आपको इसलिए दिया है क्योंकि शादी के बाद आपको ये सब करना है, दीदी कुछ नहीं करेंगी, दीदी को कुछ नहीं आता करना, बस ये समझ लेना। उसको झगड़ा करना आता है और पता क्या क्या था? मैं बता रहा हूँ। अब आकाश जी को इसके लिए प्रिपेयर होना ही पड़ेगा। दीदी सोलो के प्लान कराएंगे। लखन भाई आपको भी मिली थी ये सब गिफ्ट? ये मेरी वाली है, अनयूज्ड है तुम। किसी को पास कर देना। जो कैसे लगे क्या करोगे आप इनका? मैं भी पास कर दूंगा, अभी बताया आकाश भाई ने। अगर ये पास कर दोगे आप, भाई ये पासिंग का सिस्टम चलता रहेगा। बाद में कभी देता हूं किसी ने स्टक जाएगी। ऐसे करके झाड़ू को भाई उसमें से वो निकलता है। अरे वो फ्लैग है बुआ, बता दो सुनो, कोई चीज कमी तो नहीं है। ये जो करो फिर आप ऐसे कर दिया है झाड़ू पोछा। जीजू अपने मुंह से ऐसे बनाना और आप ऐसे झाड़ू दिखाना। चलो 1 2 3 गो। लगन जीजू प्रैक्टिस कर रहे हैं। चलो दीदी प्रैक्टिस नहीं कर, सच में लगा रहे हैं। वाह 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 वाह, ले लो। अब हो रहे हैं कलीरों की रस्म। मेरी तो हो नहीं सकती, मेरी शादी हो गई, लेकिन मैं कलीरें बांधूंगी दीदी के। दीदी आ जाओ, ये उतारने पड़ेंगे। एक काम करते हैं, इसको इधर कर देते हैं। बस मेरे वो वॉलेट भी मतलब नहीं, मैं एक मिनट खोल देती, कुछ कर देती, खोल सकते तो कुछ नहीं। दीदी ये वाले निकाल दो, दीदी आप पहना दो ये आगे वाले, ये वाले निकालो, इसको निकाल ले। कलीरों की रस्म सबसे अच्छी रस्म होती है, इसमें एक ट्रू चीज़ें पता चलती हैं, ऐसा मैंने सुना है। एक बांधू और एक निकाल दो। नहीं नहीं बांधना पड़ता है, वो खुल जाएंगे, कोई नहीं, मैं ऐसे पकड़ लूंगी ना इसको, ना ऐसे पकड़ लूंगी। दूसरे वाले उतार दिए। दीदी पता है ऐसे नहीं करते, ऐसे करना। ऐसे नहीं निकलेगा यार। दीदी नहीं निकलेगा, क्या हो गया? रहने दो ऐसे। तो ये ऐसे कैसे निकल जाएगा? चलो बैठो, हो गया है, निकलेगा नहीं, नहीं निकल रहा। एक मिनट बैठो बैठो, पहले सब बैठो। भाभी मुझे ऐसे करना ही पड़ेगा यार। कर लेना, आपको फंस ज्यादा ऐसे कह रही। अनमैरिड बैठते हैं, मैं तो बहुत नाटक कर रहे हो, पता नहीं क्यों इतना नाटक कर रहे हो। किसी के से रियल में शादी थोड़ी हो जाएगी। अबे उसको अडल्ट तो होने दो, उसकी शादी क्यों करवा रहे हो? कोई बात नहीं, तो ये जो रस्म है दीदी स्टार्ट करें। चलो स्टार्ट करें। चलो दीदी। अरे यार अरे नहीं, बच गई। ये जाएगी। गिरा। मैंने भी देखा भाई, थोड़ा चिल्ला रहा यार। मेरे पर कोई जान नहीं। मैं चाहती हूँ पुनीत के ऊपर गिरे, क्योंकि बैठो। नहीं, दीदी बस इतना नहीं करना, पुनीत
और इसको पकड़ेगा। दीदी गिराना है आपको भाई, चार पांच दीदी आएंगी। ओ भाई 14 फरवरी को सब आना मेरी शादी में। आज सैंडे की बारी, चल जल्दी चलो चलो। और कौन रहता है? मैं अकेला ही हूं। रोहित, तुषार की और लखन की? लखन की क्यों होगी भाई? बैठो अकेले बैठा दो, करो स्टार्ट। हां तोड़ना मत। अरे यार तुम्हारी चार पांच शादियां लिखी है। मैं हो गया ये मोनू चाचा हमारे बीच आएंगे। अरे ठीक है, दूसरी शादी कराओगे? अरे पंकू हेलो मेरी शादी हो गई। अरे हो गई, अरे सुनो हो गई, हो गई भाई, तो हो गई भाई, तो हो गई। मामा ओए शकुनी, मामा शकुनी आओ, चाचू आओ, यहां बैठो। और ये अगर मामा के ऊपर गिरा तो नेक्स्ट ईयर खत्म होने से पहले मामा का तीसरा आएगा। ये अब ना भाई, एक तो भाई इन दोनों पाँच। चलो ये रस्म बहुत अच्छे से हमारी हो गई, आपको कैसे लगा? मैंने जो कैसी लगी ये रस्म आपके साथ हुई थी? ये रस्म जजू के साथ नहीं, आपके साथ तो मैंने की, आपके साथ भी नहीं की थी मैंने, पर शादी मेरी हो रही है, आपकी शादी हो रही है। चलो हाँ बेटा आ जाओ। कैमरामैन बताया तुझे कौन बना है, जिसे बचपन से तांग जा करने की आदत हो? इन्होंने हमसे प्रॉमिस किया था कल कि ये भाभी को लेकर आएंगे और आज लेकर नहीं आए। नहीं तो ऐसा क्योंकि मैं घर से नहीं आया, मैं डायरेक्ट नोएडा से आया। अब हम इनको कभी कैमरे में कैप्चर नहीं करेंगे, बाय बाय कर दो, अपने प्लीज ब्लॉग्स में आप आओगे नहीं। ऐसा क्यों? यहाँ भाभी को नहीं लाते, भाभी को नहीं लाओगे तो आप हमारे ब्लॉग में भी नहीं आओगे। ऐसा पक्का प्रॉमिस? इस बात का नो लखनीत ब्लॉग्स। देखा कैसे हैं भैया, मेरे पैर तो खत्म हो गए ऐसा लग रहा है। Few moments later. मेरे वो कहां लग गया? जाओ एक मिनट उधर साथ में। नुकसान की भरपाई हो रही है, लाख भी दे दो। बोला मंगा लियो, हां मंगा लियो। क्या करना है पहले? ठीक है आप डीके से हाथ लगा दो एक बार फोटो के लिए। अब है मेरी टर्न। जीजू थोड़ा सा और लंबा टीका। अब मिठाई खिलाओ, हल्की सी, हल्की सी, बहुत मीठा मीठा हो गया। पूरी खिला, पूरी खिला। तेरे पे मिठाई मिला देते हैं तू कैसे है? मैं मजबूरी समझ सकती हूँ, मेरी भी शादी हो गई। अब सीधा ला दो, सीधा बोला ले ले, पैसे दे दे। अब पैसा देते हैं और जीजू अपना आशीर्वाद दो। अरे गाइस धीरे धीरे करके सारी रस्में होती जा रही हैं और खत्म होती जा रही हैं। सब रस्में हो गई, तुषार कह रहा है सब रस्में हो गई, तुषारों खुद तो पता है नहीं, बकवास कर रहा है। खैर जितना पता है वही बता रहा है बेचारा। विदाई, बस उसी चीज से अब डर लगता है सच में। हाँ भाई विदाई होगी, अब रोना नहीं है। सैंडी अच्छा रोना नहीं है? मैं क्यों रोऊंगा? तेरा पता नहीं है, तू तो मेरे टाइम पर भी नहीं रोया था। एक बात है, मेरे टाइम पर सिर्फ आई थिंक पूनम दीदी रोई थी और मम्मी रोई थी और कोई। पूनम को संभाल कौन रहा था? मैं। तू संभालना मतलब क्या? तो रोना भी होना चाहिए। एक तो मेरी विदाई एकदम नॉर्मल हुई थी, मैं ऐसा नहीं कि मैं रोती भी जा रही है करके, मैं थोड़ा सा रोई और गाड़ी में बैठा दिया मुझे। बट क्या अच्छे हाथ में गई हूँ। हाँ लखन का हाथ बहुत स्पेशल है, बहुत अच्छा है। क्यों चंदो रोएगी ना? और ये फरवरी को रोएगा? अच्छा वो देख रही होगी ना। हाँ भाई और तू कब रहेगा? मैं मेरा अब रोना खत्म है। बुआ जी क्या बोलना चाहती हो? जो अभी दामाद आपके बने हैं आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छी। क्या बोलना चाहते हो? बात कर रही मुझे, मेरा गला ना निकल रहा, बोलूँ क्या? बोल रही मुझे बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि ये दामाद मेरे भैया भी है। कैसे?
था। कैसे? नेतला का है, मैं नेतला की बेटी हूँ। अच्छा, तो यहाँ पर सब टीका की रस्में हो रही हैं। हाँ जी, सबसे पहले मेरी हुई, हमने आपको देखा और आप गायक थे। जीजू के यहाँ पर मजे, जितने पैसे सालियों को दिए उतने तो यहाँ से मिल गए। जीजू आपके मजे, जीजू हंस रहे हैं, कुछ बोल नहीं पा रहे। कम कम मीठा खिलाओ जीजू को। मैं समझ सकती हूँ ये रो नहीं रहा है, नाटक कर रहा है, समझे? ठीक लगा है तूने आपने? चाय पी, वो कॉफी पी। लेकिन मुझे पता है कि सब जीजू को मीठा खिला रहे हैं और मीठा खाने मतलब अजीब सा हो जाता है यार, इतना मीठा नहीं खा सकता इंसान। अरे मैं तो डेली पैर दबाती हूँ इनके, उससे पहले मैं सोती तक नहीं हूँ, है ना लक्सु? हाँ तो बोल दो। कभी 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 दबा देती हूँ, कभी कभी लखन ही मेरे दबा देती है ना लखन। हाँ तो बोल दो। नहीं कभी कभी मैं लखन, कभी कभी लखन मेरे, तो देखो प्यार दोनों तरफ से होना चाहिए, है ना दद्दू? सही बोला नहीं बोला? हमारा प्यार दोनों तरफ से है ना। Oh.
जी आप ही मिल रहे हैं। छोटी सी तो है वो, ये क्या कर रही हो? पिज़्ज़ा थोड़ा सा पिज़्ज़ा ना यार, बोलिए चुप हो जाओ। अभी पता है ऐसे रोते हैं तुम तो, इतने समझदार हो, पीछे रोते हैं क्या? जाने के बाद अच्छा नहीं माना जाता, बिल्कुल मत रो, बाद में नहीं रो, बिल्कुल भी खुशी खुशी रहो। रोमन कोई ना, ऐसे बिल्कुल एकदम ऐसे ही, इतना प्यार आपने दिया है इतना ही मिलेगा और ज्यादा।